जानवर हैं, बेलगाम जानवर। महिला तो घर पर बैठने की चीज़ होती है, महिला तो बहुत ही जिसको जिससे हम लोग कुछ सबक सीखते हैं। ये महिलाएं तो ऐसी हैं जो सड़कों पर खामा घूमती फिर रही हैं। तो सुन तो लिया ही होगा आपने, दिवाली से पहले पटाखों को लेकर कूड़ा फैलना शुरू हो गया। दो नेता हैं, दो जुबान हैं, अब क्या ही कहें जनाब। पहले आ जाते हैं साध्वी प्राची के बयान पर। दरअसल साध्वी प्राची अलीगढ़ के टप्पल में हिंदू जागरण अभियान के कार्यक्रम में पहुंची। वहां उन्होंने हिंदू जागरण के नाम पर सीधा शाहरुख खान के ऊपर हमला किया। शाहरुख खान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि एक अभिनेता जो फिलहाल इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि उनका बेटा ड्रग केस में फंसा हुआ है, जिन्होंने ये कहा था कि सड़क पर पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए या सड़क पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बने हैं। पटाखों की बात करते करते धीरे से साध्वी प्राची नमाज के ऊपर पहुंच गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हालांकि आपको बता दें कि शाहरुख खान तो नहीं, फिलहाल आमिर खान एक ऐड को लेकर चर्चा में है। दरअसल उस ऐड में उनका किरदार सड़क पर पटाखे न फोड़ने की नसीहत देता दिख रहा है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और इस बवाल में अब साध्वी प्राची का भी बयान आ गया है। उनके इस बयान को लेकर अलीगढ़ के ही सपा नेता और पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने दरअसल साध्वी प्राची के ऊपर निशाना साधते साधते महिलाओं के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने साध्वी की तुलना जानवर से कर दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। बैठे हैं जो लोग, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है और जनता इनकी कुछ कुछ सुन नहीं रही है। इनके सीएम साहब भी और प्राचीन जैसी औरतें गली गली घूमती फिर रही हैं ताकि माहौल खराब हो, लेकिन इंशाल्लाह माहौल खराब नहीं होगा। हिंदू मुसलमान समझ चुके हैं इनकी राजनीति को। ये राजनीति सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अरे पटाखे भी चलेंगे, नमाज भी पढ़ जाएगी, पूजा भी होगी, स्नान भी होगा, हर चीज़ होगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर सब चीज़ होगी, मगर ऐसे लोगों का कोई मुकाम नहीं होगा प्राचीन जैसे लोगों का। ये गली गली घूमती फिर रही है जानवरों की तरह। ये लोग जानवर हैं, बेलगाम जानवर। महिला तो घर पर बैठने की चीज़ होती है, महिला तो बहुत ही जिसको जिससे हम लोग कुछ सबक सीखते हैं। ये महिलाएं तो ऐसी हैं जो सड़कों पर खामा घूमती फिर रही हैं अपनी बात को करने के लिए, मगर इनके कहने में कोई आनी नहीं। कुल मिलाकर कहें तो दिवाली में दिए ही जलें तो ही ठीक है, दिल जलना जरूरी नहीं है। ये स्टोरी आपके लिए रिपोर्ट की थी अलीगढ़ से हमारे साथी शिवम ने। कैमरे के सामने मैं रजत और कैमरे के पीछे दीपांश हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आप खबरों को पढ़ने में रखते हैं दिलचस्पी तो यूपी की खबरों के लिए एक अड्डा है, वो है यूपी तक.in। तो फट से पहुंच जाइए और तमाम बड़ी खबरें पढ़ते रहिए।